जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार दूसरे दिन मुठभेड़ जारी है। बता दें कि मुदरखम और चिनीगाम फ्रीसर में अब तक 5 आतंकी मारे गए हैं, वहीं 2 जवान शहीद हुए हैं। मुदरघम में 2-3 आतंकियों और चिनी गांव फ्रिसल में 1 और आतंकी के छुपे होने की खबर है। वहीं सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी जिले के मंजाकोट में आतंकियों ने रविवार सुबह एक सेना कैंप पर हमला कर दिया। बता दें कि इसमें 1 जवान घायल हो गया। वहीं कुलगाम मुठभेड़ पर जम्मू कश्मीर के DGP RR स्वैन ने कहा कि पुष्टि के अनुसार 2 अलग अलग मुठभेड़ स्थलों पर मुठभेड़ हुई है। वहीं 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं निसंदेह यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ये सफलताएं सुरक्षा वातावरण को और भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। वहीं आतंकवादी को खत्म करने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं और अभियान गति एक पकड़ कर रहे हैं और वहीं मौजूदा अभियान अभी भी जारी है और अभी तक अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। हमें स्थानीय आतंकवादियों के शामिल होने की भी खबर मिली है। कंफर्मेशन के हिसाब से 2 अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। निसंदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए। ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस इंडियन आर्मी एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि आवामी सपोर्ट के साथ लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में शांति में और ज्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है।